हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 1 सितंबर। आज हम देखेंगे 1 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसको FIDC का अध्यक्ष नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उमेश रेवनकर। ये हैं उमेश रेवनकर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के वर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवनकर को अग्रणी भारतीय NBFC वित्त पोषण निकाय वित्त उद्योग विकास परिषद यानी FIDC का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। FIDC भारत में संपत्ति और ऋण वित्त पोषण में लगी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व निकाय है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये FIDC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया उमेश रेवनकर को। और ये वर्तमान में किस पद पर कार्य कर रहे हैं? तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है, जिसमें कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में ये काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, जान लेते हैं वित्त उद्योग विकास परिषद यानी FIDC के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। और इसकी भूमिका क्या है? तो इसकी भूमिका है भारत में गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए स्वनियामक संगठन और प्रतिनिधि निकाय के रूप में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके महानिदेशक कौन है? तो ये हैं महेश ठक्कर जी। देख लेते हैं 2023 में की गई कुछ अन्य प्रमुख नियुक्तियों को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह, 34वें। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। तो दोस्तों, ये अपॉइंटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जम्मू ने इन उत्पादों के लिए GI टैग प्रक्रिया शुरू की है। GI टैग अनधिकृत शोषण को रोकते हुए अधिकृत उपयोगकर्ताओं को विशेष उपयोग का अधिकार प्रदान करता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और किसे किसे मिला है? भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को। GI टैग की बात करें तो GI टैग अधिनियम 1999 में पारित किया गया था। और यह लागू कब हुआ था? सितंबर 2003 में लागू किया गया था। इसी अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम 10 वर्ष के लिए GI टैग दिया जाता है। 2004 और 5 में भारत का पहला प्रोडक्ट कौन था? दार्जिलिंग टी था, जिसे GI टैग दिया गया था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण GI टैग्स को देख लेते हैं। काला चावल कहाँ का है? मणिपुर को दिया गया है। कंदमल हल्दी कहाँ की है? उड़ीसा को दिया गया है GI टैग। कश्मीर केसर कश्मीर में उगाया जाता है, इसलिए कश्मीर को दिया गया है। कंडांगी साड़ी तमिल बनाई जाती है। कचई नींबू मणिपुर में होता है। गजक मुरैना मध्य प्रदेश में होता है। तो इन उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है हाल ही में, तो आप इन्हें भी साथ ही साथ याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो उसकी राजधानी है श्रीनगर। और ठंडी में जो मतलब शीतकालीन राजधानी है वो है जम्मू। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा हैं। विधान परिषद सीटें यहाँ से हैं 36 और विधानसभा सीटें हैं यहाँ से 89। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 2023 की मिस अर्थ इंडिया बनी गई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रियान सेन। ये है प्रियान सेन जो बन गई हैं मिस अर्थ इंडिया। ठीक है, 26 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 फाइनल के दौरान राजस्थान की प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। वह जयपुर की 20 वर्षीय छात्रा, नर्तकी और ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। उन्हें कोरिया की मौजूदा मिस अर्थ मीना सु चोई से ताज दिया गया है। प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान की हैं। इनका नाम है प्रियन सेन और इन्होंने मिस अर्थ इंडिया का खिताब जीत लिया है। देख लेते हैं सौंदर्य प्रतियोगिता में नियुक्त हुए कुछ व्यक्तियों को जो चयनित किए गए हैं। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? वो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। मिस सुपर नेशनल 2023 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया एगुइलारे ने जीता है।
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 का खिताब किसने जीता है? अरुणा सुखदेव ने जीता है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीत लिया है आर पोनी गैब्रियल ने। ठीक है, तो आप लोग इन्हें बार बार रिवीजन करते रहिए, ये आपके एग्ज़ाम के महत्व लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। यह देश के विकास में छोटे उद्योगों के योगदान को मान्यता देता है और यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने का एक अवसर है। केंद्र सरकार ने 2001 में औपचारिक रूप से 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए घोषणा की थी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। और इसका जो लक्ष्य है वह क्या है कि जो छोटे घरेलू उद्योग होते हैं उनको सरकार अधिक से ज़्यादा अधिक बढ़ावा दे सके और उनको समर्थन दे, अपना सपोर्ट दे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सितंबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को मनाया जाता है गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। और 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। तो दोस्तों, इन दिवसों को भी आप लोग याद करते रहिए। अगला सवाल है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कश्मीर में। मिस वर्ल्ड के सीईओ जूलिया एरिक मोरेली ने घोषणा की है कि दिसंबर में कश्मीर मिस वर्ल्ड के 71वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के कश्मीर में आयोजित की जाएगी। मोरेली ने यह भी कहा कि मिस वर्ल्ड क्रू के नवंबर में कश्मीर पहुंचने की संभावना है। तो दोस्तों, इस बार मिस वर्ल्ड का जो मेज़बान राज्य है वह कौन है? तो कश्मीर राज्य है। ठीक है, भारत में प्रमुख खेल एवं आयोजन स्थल देख लेते हैं जो 2023 में और आगामी खेलों के बारे में भी है। तो इनको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कब आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और कब आयोजित होगा? 2026 का। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो यह बेल्जियम एवं नीदरलैंड में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सारे खेल और इनके आयोजन स्थल, तो इनके मेज़बान देशों का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एकता कपूर। ये हैं एकता कपूर, जैसा कि आपको पता ही होगा, आप सभी पहचानते होंगे इन्हें। बिजनेस वूमेन एकता कपूर ने हाल में इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड जीत लिया है। ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इतिहास रचते हुए एकता कपूर को न्यूयॉर्क में 91वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड सेरेमनी में इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के प्रेसिडेंट और सीईओ ब्रूस एल पेसनर ने इसका ऐलान किया है। ये अवार्ड जीतने वाली एकता पहली भारतीय फिल्म मेकर हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये अवार्ड जीतने वाली एकता पहली भारतीय फिल्म मेकर हैं जिन्हें इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड दिया जा रहा है। प्रमुख खेल पुरस्कारों की बात करें जो 2023 में आयोजित किए गए हैं और उनके विजेता रहे हैं। शारजाह मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? अर्जुन रिगेशी, जो भारत के हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने। 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर सुपर 500 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एचएस प्रणय ने, जो भारत के हैं। फार्मूला वन रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीत लिया है मैक्स वेस्टापन ने। ठीक है, और ये नीदरलैंड के रेडबुल से खेलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी बचत खाता लॉन्च किया। यह एक शून्य घरेलू लेन देन शुल्क आधारित खाता है जिसमें न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। यह डिजिटल रूप से समझदार ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करेगा जो अक्सर सदस्यता आधारित मॉडल को अपनाते हैं। यह अभिनव बैंकिंग उत्पाद सभी घरेलू शुल्कों को समाप्त करके चिंता मुक्त बैंकिंग अनुभव चाहने वाले ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका सही जवाब है एक्सिस बैंक ने। ठीक है, एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी बचत खाता लॉन्च किया है।
एक्सिस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को। मुख्यालय है महाराष्ट्र में। चेयरपर्सन है राकेश मखीजा। MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। हाल ही में कौन जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन B, मयंक जोशी। ये हैं मयंक जोशी जी, ठीक है, जो जमैका में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए जा चुके हैं। मयंक जोशी को जमैका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। जोशी 2003 के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS बैच से हैं। वह वर्तमान में टोक्यो में भारत के दूतावास में उप मुख्य मिशन के रूप में कार्य कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, मयंक जोशी वर्तमान में भारतीय दूतावास टोक्यो में मिशन के उप प्रमुख को जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा, जमैका में भारत का अगला उच्चायुक्त कौन होगा? मयंक जोशी। नेक्स्ट है जमैका की बात कर लेते हैं। जमैका की राजधानी क्या है? तो यह है किंगस्टन। सम्राट है यहाँ के चार्ल्स तृतीय। गवर्नर जनरल है यहाँ से पैट्रिक एलन। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के एंड्रू होलनेस। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार लॉन्च की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन C, नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च कर दी है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लागू होने से देश को आयात बिल के रूप में सालाना 35,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। भारत ने 2022 के शुरुआती लक्ष्य से 5 महीने पहले ही 10% इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों नितिन गडकरी, जो परिवहन मंत्री भी हैं। ठीक है, हाल ही में किसको ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है? दोस्तों ET का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक टाइम्स, जो कि एक पत्रिका होती है। इसमें पूछा जा रहा है कि ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है ऑप्शन B, परममीत सिंह सूद को। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स ने उन नेताओं और परिवर्तनकर्ताओं की उपलब्धियों का सम्मान किया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। क्लाइमेक्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक परमीत सिंह सूद को ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्माण में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें सम्मानित किया है। तो आप लोग इन प्रश्नों को याद रखिएगा और इन्हें बार बार रिविज़न करते रहिए। अब देख लेते हैं अपने 31 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले थाई कौन बन गए हैं? यह बन गए हैं कुनलावुत विटिडरसन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल हेतु ब्रेकफास्ट योजना का विस्तार किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है? अमित शाह ने। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफल कार्यान्वयन कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो इसने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हाल ही में किसने PM मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया है? शिवराज सिंह और अनुराग सिंह ठाकुर ने। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है? श्रीलंका ने। हाल ही में ADB ने भारत में कहाँ जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो दिल्ली में। हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया, वे कौन थे? कवि थे। धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य बन गया है? दोस्तों ये राजस्थान का धौलपुर करौली भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन रहा है और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 31 अगस्त के ऑलराउंडर रिविज़न और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले थाई कौन बन गए हैं? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में भेजते रहें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।